हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों को अगर याद हो तो मैंने बहुत टाइम पहले सेल एट कॉस्ट के बारे में एक वीडियो बनाई थी। उसमें आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म किया था और मैंने बताया भी था कि मैंने वहां से शॉपिंग की है। तो बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि दी कब आपका पार्सल आएगा, कब आप मुझे अपने प्रोडक्ट दिखाओगे। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आज आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने वहां से क्या क्या लिया और मुझे वहां से क्या क्या रिसीव हुआ है। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आप लोग साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये जितने भी आइटम है ये मैंने खुद नहीं खरीदे हैं, ये मुझे उन्होंने दिए हैं। मतलब पसंद मेरी है लेकिन बिल उन्होंने दिया है, मतलब भेजे उन्होंने हैं मुझे एक तरीके से इनका रिव्यू करने के लिए कि इनका सामान कैसा है, इस तरीके से। तो ये है सेकंड चीज। आते हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मुझे इनकी क्या चीज अच्छी नहीं लगी। तो इन्होंने मुझे जो है बोला था कि आप अपनी पसंद का जो है सामान ले सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं वो सारा सामान आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। ज्यादा सामान नहीं है पर अच्छा है, देख लेना। आप लोगों को जो भी पसंद हो आप वहां जाके ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये आलू मैश करने के लिए काफी अच्छा रहता है। मैं बहुत टाइम से इसे खरीदने का सोच रही थी तो मुझे ये वहां पे दिखा तो मैंने ये ले लिया है। काफी अच्छा है। इसका प्राइस जो था वो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी जैसे जैसे मुझे ये प्रोडक्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया इन्हें लिए हुए। ये मुझे 1 महीने के आसपास में रिसीव हुआ है। आने में डिलीवरी जो है उसमें टाइम लग गया था, बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो ये वो है। प्राइस मिलेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। काफी अच्छी क्वालिटी का ये मुझे रिसीव हुआ है। सेकंड जो है मैंने ये लिया है, इसका टीवी का रिमोट रख सकते हैं आप, कुछ भी चीजें रख सकते हैं, काफी अच्छा लगता है आपकी। जैसे हमारी मेज है इसके साइड में यहाँ पे इसे रख दीजिए, तो यहाँ पे आप टीवी का रिमोट रख लीजिए। फोन तो नहीं आएगा इसमें। तो सेकंड चीज जो है ये है, बहुत प्यारा लगा था मुझे। इसकी क्वालिटी ओके ओके है, इतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसकी क्वालिटी वो लचर पचर टाइप है। और थर्ड जो है, जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है मेरा ये क्यूट है ना, इसकी आईज देखो बहुत ज्यादा क्यूट लगा था मुझे ये। तो मैंने थर्ड प्रोडक्ट जो है ये लिया है। काफी अच्छा है, क्यूट क्यूट सा है, लेकिन मुझे पिक में देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन रियल में ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे बच्चे पे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझ पे इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों ये बच्चों टाइप जैसा लग रहा है मुझे, तो इसी वजह से। पर लेकिन वैसे बहुत क्यूट है। इसके अंदर स्पेस भी है, आपका फोन, आपका हल्का फुल्का सा मेकअप आराम से आ सकता है। बहुत क्यूट सा पर्स है ये जो अंदर है ना फैब्रिक, ये गत्ता है, मतलब इन्होंने गत्ता लगाया हुआ है। ये भी मुझे 150 के आसपास का मिला था। तो हमारा फोर्थ जो प्रोडक्ट है वो है ये एक छन्नी। ये मुझे काफी अच्छी लगी थी और घर के कामों के लिए चाहिए ही होती है। इसकी भी क्वालिटी जो है ओके ओके है, इतनी कोई खास नहीं है। बस इसकी थोड़ा ये मामला देखो, ये लचर पचर हो रहा है, यहाँ से शायद कभी भी टूट सकता है। तो ये है एक। और सबसे एंड में आते हैं, मैंने लिया है ये, शायद आपको याद हो जब पुराना टाइम था, मतलब जब हम छोटे छोटे से थे तो इसे जो है हम बनवाते थे, मतलब दीवारों पे लगाने का नहीं होता, अपने छोटे छोटे से यहाँ पे सामान रख लीजिए, अपनी पॉकेट है इसमें छोटी छोटी सी, काफी ज्यादा है। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है मुझे यही लगा है। और इसमें जो है यहाँ पे नीचे ये दे रखा है, मतलब लगाने के लिए आप यहाँ पे कुछ धागा वागा लगाइए और इसे आराम से करिए। ये भी अच्छा खासा यूज है। इसका प्राइस शायद 175 के आसपास था। काफी अच्छा लगा मुझे। और इसका कपड़ा जो है, कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी अच्छी क्वालिटी है इसी कपड़े की। ये हाँ कि है ये ऐसा कि धो धा के अच्छा खासा लंबा चलेगा ये प्रोडक्ट। अब आते हैं इसकी तरफ। इसमें जो है छोटू छोटू सा सामान जो है वो है, ये मैंने खोल लिया था क्योंकि इतने बड़े पैकेट में आया था तो मेरे घर में तो वैसे ही सामान फैला पड़ा है, तो मैंने खोल लिया था एक एक करके। तो ये आता है, ये मैंने मंगवाया है एक कॉम्ब जिससे आप अपना हेयर स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पीछे ये चीज आती है ना, तो इससे आपके बाल इजीली ऐसे निकल जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा अच्छा है और ज्यादा प्राइस नहीं था इसका, 8 रुपए का था ये। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने एक ये मंगवाया है। और सेकंड चीज मंगवाई थी मैंने उस टाइम पे, मेरे यहाँ पे किसी बर्थडे का, मतलब बच्चे का बर्थडे था, तो जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो ये जो है डोरीमोन की स्पून है, काफी ज्यादा क्यूट सी है, देख लीजिए आप लोग। और उसके साथ जो है इन्होंने ये दो भेजे हैं, ये चाउमीन खाने के लिए हैं। तो
उनके वहां तो वैसे ही खाते होंगे ना, तो ये जो है इसके साथ फ्री आए हैं, वरना नहीं तो ये अकेली थी, शायद कोई ऑफर लगा होगा, तो ये दो है इसके साथ ही आए हैं और इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और ये है एक मशीन जो गुंजे बनाने वाली नहीं होती, ये वो है, लेकिन ये बड़ी छुटकू सी है। मम्मी बोल रही थी कि इससे बहुत छोटे छोटे गुंजे बनेंगे, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, प्लास्टिक की काफी अच्छी क्वालिटी है। तो ये मैंने छोटा छोटा सा सामान मंगवाया है, और एक मैंने ये मंगवाया है, कहाँ गया ये, जो हमारा ऑयल होता है, मतलब तवे पे जो ऑयल लगाते हैं उसके लिए जो ब्रश होता है, तो ये मैंने ये मंगवाया है। ब्रश जो है ये निकल भी जाता है, इसे यूज करेंगे तब पता चलेगा कि कहीं ये खराब तो नहीं होता है। काफी ज्यादा क्यूट सा है, आप इसे ज्यादा ऑयल लगा सकते हैं, तो काफी अच्छा लगा मुझे ये ब्रश। और जो है ये मैंने मंगवाया हुआ है, ये जो है जैसे मेरे बाल आप लोगों को पता ही है छोटे हैं, तो उसके लिए बन जो है हैवी बनाना पड़ता है, तो वो बन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये एक मंगवाया था, ये 20 रुपए का था, इसके बाद मैं जूड़ा बना सकती हूँ कभी यूज करूंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो ये है एक जो है मैंने मंगवाए हैं, ये बहुत क्यूट क्यूट से इयररिंग्स, बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इनकी एमआरपी बहुत कम है, मतलब कोई 8 रुपए का था, कोई 20 रुपए का था। ये देख लीजिए, पहन के तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आप खुद देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे से ये इयररिंग्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे से लग रहे थे, शायद आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। बहुत प्यारे प्यारे से ये इयररिंग्स हैं, मुझे बहुत पसंद आए थे, छुटकू छुटकू से इयररिंग्स, बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। तो एक जो थे ये थे, और एक मंगवाई है मैंने वहां से रिंग, ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब मुझे इसका डिजाइन और पैटर्न इतना अच्छा लगा कि मैं इसे शायद कभी आने वाले टाइम में गोल्ड की भी बनवाऊं ऐसी, क्योंकि मुझे इसका पैटर्न इतना ज्यादा पसंद आया है। देखिए अच्छी लग रही है ना, इसे मैं पहन के ही रख देती हूँ। ये यहाँ से खुलने वाली है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो। तो जो मैं आपको इयररिंग्स बता रही थी वो ये हैं, ये फूल का डिजाइन बना हुआ है, काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे मुझे, और ये सिर्फ 20 रुपए के हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तो ये मैंने ये वाले लिए थे, और एक मैंने लिया था क्योंकि आप लोगों को पता है जो ये आर्टिफिशियल हमारे कानों के होते हैं ना, ये इनका लोब बहुत जल्दी खो जाता है, तो इसी वजह से मैंने एक लिया है ये 20 रुपए का ही है, और बहुत सारे लोग हैं इसमें, मतलब एक खू गया तो बहुत सारे हैं इसमें, तो ये मैंने पूरा पैकेट ही लिया था। और एक मैंने ली थी ये पैर में पहनने वाली, जो एक पाजेब नहीं पहन लेते हैं वो क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज्यादा प्यारा सी ये चैन सी लग रही थी, इस तरीके का इस पर डिजाइन है, ये लटकने वाली है, काफी अच्छी लग रही थी मुझे, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और क्वालिटी भी ओके ओके, इतनी गंदी नहीं है। अब आते हैं इसकी तरफ, ये है आप इसमें सब्जी धो सकते हैं, राइस आपको इसमें धो सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है छन्नी टाइप दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपने देखा भी होगा। तो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट, मुझे लगा था ये थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन ये काफी ज्यादा छुटकू सा आ गया है ना, लेकिन ठीक है हमारे लिए तो ठीक है। तो ये थे वो सारे प्रोडक्ट जो मैंने आप लोग को दिखा दी हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप वहां से जाके ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, वहां के रेंज भी काफी अच्छी है, मतलब देखने में लगता है कि हाँ 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए ऐसे हैं, लेकिन उनका जो डिलीवरी चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, एक होता है ज्यादा एक होता है बहुत ज्यादा, मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर आप 2000 का सामान मंगवा रहे हो तो उस पे जो है आपको 700 या 800 रुपए के बीच जो है आपका डिलीवरी चार्ज लग जाएगा। तो मुझे नहीं, पहले मुझे पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, आप लोगों ने भी बोला था तो मुझे लगा कि जब मेरा आएगा पार्सल तब मुझे पता चलेगा, जो एक्सपीरियंस मैं आप लोग से शेयर करना चाहती थी, तो मुझे जब मेरा आया मैंने देखा कि उसमें भाई डिलीवरी चार्ज इतना ज्यादा लगा, मेरा कुछ नहीं कटा, लेकिन मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रख सकती, तो फिर भी जो था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी बिल्कुल भी बैड नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा डिलीवरी चार्ज अगर आप दे सकते हैं तो जरूर वहां से परचेज करें, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप सब लोगों को पहले से ही एडवांस में विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से, कैसी रहेगी आपकी दीपावली कमेंट, बाय बाय।